जिले के सुसनेर में बुधवार को स्थानीय रेस्ट हाउस पर दोपहर 2 बजे भाजपा मंडल की कामकाजी बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह बरखेड़ी, कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष सज्जन सिंह कलारिया, विशेष अतिथि डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे, जिला महामंत्री डॉक्टर गजेंद्र सिंह चंद्रावत, मार्केटिंग अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह कांवर, लोकतंत्र सेनानी संघ के गोवर्धन शुक्ला, मीसाबंदी रतन सिंह परमार, जिला उपाध्यक्ष कालू सिंह गणेशपुरा, जिला मंत्री अर्चना जोशी, आजीवन सदस्यता मंडल प्रभारी राणा प्रथमपाल सिंह थे। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष बरखेड़ी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार मध्य प्रदेश को आजीवन सदस्यता निधि में हमें पूरे देश में सबसे ज्यादा राशि एकत्रित कर पहले नंबर पर लाना है। इस हेतु आप सभी कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है कि वो तन मन धन से इस कार्य को करने में जी जान से मेहनत करके पूरा करें। हमारे जिले को 1 करोड़ का लक्ष्य मिला है और मुझे प्रदेश संगठन ने बोला है कि आपका जिला अगर 1 करोड़ आजीवन सदस्यता निधि एकत्रित करेंगे तो हम आपको 2 करोड़ का सहयोग आपके जिले का कार्यालय निर्माण में देंगे। सुसनेर मंडल को 15 लाख का लक्ष्य है, परंतु आप सभी इससे अधिक सहयोग करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। कार्यक्रम को सभी अतिथियों ने भी संबोधित कर आजीवन सदस्यता निधि के लिए मंडल को मिले लक्ष्य से अधिक सहयोग करने का आग्रह किया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा मंडल महामंत्री पवन शर्मा ने किया एवं आभार भाजपा मंडल उपाध्यक्ष दिलीप जैन सारंगिया खेड़ी ने किया।